आपका हंसी मारा टू जयगांव के बीच में पड़ता है चाय बगान, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। एक्चुअली हंसी मारा से जयगांव जाने के लिए आपको 175 किलोमीटर पड़ेगा गाइस, वहां पे कोई सीधी रेल मार्ग नहीं है। हाँ, आपको वहाँ के लिए कैब या लोकल अस्थायी परिवहन लेना पड़ेगा, जिससे आप जयगांव पहुँच सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग चलते चलते बात करते पहुँच गए जयगांव गैस। तो आपको देख रहा होगा बहुत सारी यहाँ पे भूटान की गाड़ियाँ लगी हुई मिलेगी गैस। तो आप लोगों को तो पता कैसे चलेगा कौन से भूटान कौन इंडिया है गैस? जी हाँ, भूटान की गाड़ी में आपको पीछे में बीपी लिखा हुआ रहेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये भूटान की गाड़ी है गैस। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए जयगांव, यहाँ पे ही भूटान इंडिया का गेट है गैस। तो चलिए हम लोग चलते हैं भूटान के अंदर अभी। सो सामने आपको हम दिखाएंगे भूटान का गेट पहले, तो देख सकते हैं वो रहा भूटान का गेट। तो अभी हम लोग यहीं से एंटर करने वाले हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं भूटान के अंदर। एक्चुअली हमें आगे जाके पता चलती है कि वो रास्ता गाड़ियों के लिए था गाइस, तो हमें इस रास्ते से एंटर करना है। जिनका बाइक था वो उधर से निकल गए हैं, हम इधर से निकलते हैं गाइस। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, उधर है भूटान इधर है इंडिया। तो भूटनी से यहीं पे मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी छोटा मोटा मार्केट लगा हुआ है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सामान मिल रही है गाइस, देख सकते हैं। और ये लोग देखिए कितना पीछे है और हम कितना आगे पहुँच चुके हैं, क्या बताएं। तो चलिए चलते हैं और देख सकते हैं इधर भी कुछ लोग बहुत सारे मतलब आए हुए अंदर एंटर करने के लिए, जिसके कारण यहाँ पे बहुत भीड़ दिख रही है गाइस। हम दिखाते हैं आपको सामने, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ से एंटर करनी है। तो हम लोग जैसे एंटर करते हैं, वो लोग वेरिफिकेशन के लिए वोटर आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है गैस आपको, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो लोग, ताकि पहली बार आप जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन होगा, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं पड़ेगा। और ये 10 रुपये की टिकट पड़ेगी आपको लेनी यहाँ पे। तो चलिए वो रहा एंटर करने का, पूरी लाइन लगी हुई है गैस यहाँ पे, देख सकते हैं आज बहुत ही भीड़ है, क्योंकि हम लोग संडे के दिन आए गए, क्योंकि संडे के दिन मार्केट लगती है यहाँ पे बाहर जयगांव में, और भुटनी सब भी आते हैं और जाते हैं, तो इसके कारण। तो चलिए चलते हैं फिलहाल और दिखाते हैं यहाँ पे सारा व्यू, सब देख सकते हैं व्यू अंदर कितना प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे राजा का भी देख सकते हैं गाइस, वहाँ पे तस्वीर दिया गया है, और अंदर में एकदम बहुत ही मतलब अच्छा वाला वाइब्स आ रहा है फील गाइस, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बस देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी बनाए गए हैं। तो अगर निकलते ही आपको कुछ स्टेप से व्यू देखने को मिलेगा भूटान के अंदर। तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, तो इसलिए हमें जो रिसीव करने आए थे मेरे भाई, वो हमें जल्दी जल्दी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमें 6 बजे से पहले हमको रिटर्न होना है गाइस, नहीं तो ये गेट बंद कर देंगे और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो हम लोग आज वो सोच के आए नहीं है, तो जस्ट घूमने के लिए सोच के आए वन डे का ही। तो चलते हैं आसपास का जो भी है दिखाने का ट्राई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से घर देखने को मिलेगा, जो कि होटल है, आई थिंक घर तो नहीं होगा, बट सारा घर या होटल का डिजाइन सेम मिलेगा देखने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे, सामने जो छोटा सा है दिख रहा होगा कुछ, पता नहीं क्या है यहाँ पे। ओ गाइस सामने यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, जो कि सामने छोटा सा है, वहीं पे भाई हम लोग लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से एंटर ही करते ही बहुत ही सुंदर लगता है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियन और भूटिया वो लोग देखने को मिलेंगे, आपको भूटिया सब जो हैं वो लोग उनके वेशभूषा से पता चल जाएगा, और इंडियन का आपको उनका वेशभूषा से गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन भी घूमने के लिए आए हुए हैं। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मॉनेस्ट्री देखने में, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका आर्किटेक्ट का जो डिज़ाइन किया गया है बहुत ही सुंदर है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सामने से सारा व्यू।
सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं दूसरे साइड जाने के लिए, क्योंकि हम लोग को सारे एरिया कवर करना है गाइस थोड़ा बहुत जो भी हो। सो गाइस देख सकते हैं कुछ इस टाइप से है यहाँ पे रास्ता देखने को मिलेगा आपको पूरा नीट एंड क्लीन गाइस, और यहाँ का सारा घर ही आपको एक ही डिजाइन को देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में गाइस। सो गाइस हम आपको थोड़ा बहुत ही दिखा पाएंगे यहाँ का थोड़ा रास्ता वास्ता कुछ। सो गाइस आपको बता दें यहाँ पे सारे लोग आप एक डिसिप्लिन में चलते हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे चेवरा लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है गाइस। और कुछ ये है भूटान का व्यू, थोड़ा बहुत देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से देखने में गाइस। तो अभी हम लोग गाइस ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हम लोग को 6 बजे तक निकलना है बाहर गाइस, नहीं तो गेट बंद होने वाला है, फिर हम लोग को यहीं पे रुकना पड़ेगा गाइस। तो वैसा कुछ प्लान नहीं है, तो जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से होते हुए हम लोग चलते हैं आगे, वहीं पे जाने के लिए रास्ता भी हम लोग को वहीं पे मिलेगा गाइस। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर क्या है जाने का भी गाइस। तो गाइस हम आपको बता दें ये रहा वहाँ पे जाने के लिए, जैसे आए थे हम लोग वैसे ही जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, आने टाइम जितनी लंबी लाइन नहीं थी ना गाइस उससे ज़्यादा जाने की लाइन है, क्योंकि सबको जाने का ही होड़ लगी हुई है यहाँ पे। सो जाने के लिए भी सेम टू सेम 10 रुपये की टिकट हम लोगों को लेनी पड़ेगी गाइस। यहाँ आने के लिए आपको ये पासपोर्ट वीजा की ज़रूरत नहीं है, ओनली वोटर आईडी हाथ में होनी चाहिए गाइस, और जैसे कि जो बच्चे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट होने पड़ेगी तभी ये लोग एंटर करने देंगे। तो गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो और चैनल में नहीं हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अनदर प्लेस में गाइस, तो चलते हैं, बाय बाय।